कहता हम लोग के पास दो बल्ब है, 40 वाट का और 200 वोल्ट है, और दूसरा जो है उसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, लेकिन सर्किट से कितना वोल्टेज ले सकता मैक्सिमम वो कांस्टेंट है, करेक्ट रिलेशन बिटवीन देयर रेजिस्टेंस। अब देखो जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब है ये बल्ब, तो ये सर्किट से कितना पोटेंशियल डेप्थ इसकी जो है, ये 200 वोल्ट सर्किट इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है, इससे ज़्यादा करोगे तो खराब हो जाएगा बल्ब, ठीक है। और ये 40 वाट इसका पावर है, और दूसरे बल्ब का जो डेटा है वो इसका पावर अलग है, 100 वाट है, अच्छा खासा बल्ब है, और ये भी 200 वोल्ट सर्किट से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। तो इनका रेजिस्टेंस तो आसान सवाल है, बल्ब का जो रेजिस्ट पावर होता है, बल्ब का पावर दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर, इन दोनों में देख रहे हो तो भी कांस्टेंट है, इन दोनों के लिए भी कांस्टेंट है, तो अगर भी कांस्टेंट है इस बल्ब के लिए भी कांस्टेंट है और उसके लिए इसे है, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो पावर किसका ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है R2 का, तो जो 100 वाट है इसका पावर ज़्यादा है, पावर ऑफ 100 वाट इज ग्रेटर देन पावर ऑफ 40 वाट बल्ब, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट, तो रेजिस्टेंस 40 वाट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, दैट इज पी ऑप्शन सही है।